नमस्कार दोस्तों, आज 21 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के आम के क्या कुछ बाजार चले, आज के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास जो आम आए और नाशपत्ती आई। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जो मेरी दिल्ली फ्रूट मार्केट के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, वहाँ से भी आप आम भी और भी ताज़े अच्छे मीठे रसीले फ्रूट घर के लिए खरीद सकते हो। वो जो भी रेट होंगे आपके घर के पहुँच तक के ऑनलाइन के रेट हैं, उसके बाद कोई खर्चा नहीं होगा। चलिए जानते हैं मोनू भाई साहब के पास आज नाशपत्ती आई और आम भाई आज के क्या क्या बाजार चले, कल के मुकाबले क्या पोजीशन है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। भाई साहब जी बताओ, पहले अमरूद शेड में से आ लिए जी आज? राणा जी अमरूद शेड में आज माल नहीं आया। क्या बात। पीछे अभी रतलाम इतना चालू नहीं है। हाँ जी, रतलाम हफ्ते में एक या दो गाड़ी आती है। और महाराष्ट्र वाले? महाराष्ट्र वाला जो ट्रेन से है वो करीब 12 बजे के आसपास है। अच्छा आएगा जी। अभी अभी आज अमरूद मंडी में अमरूद है नहीं जी? अभी अमरूद। अच्छा जी, चलिए जी आज के आम के क्या क्या बाजार चले जी, कौन से वाले हैं जी? है राणा जी ये चौसा है। हाँ जी, जो चौसा साफ सुथरा है। हाँ जी, मानो आप 40 रुपए से लेके 60-70 रुपए तक। 40 से लेकर 60-70 रुपए तक किलो? किलो। अच्छा जी, अच्छा। और जो काले पीले चौसे हैं उनके कोई बाजार नहीं है। हाँ जी, 200 रुपए से लेके 300-350-400 रुपए लास्ट। कितने से कितने तक? 200 रुपए से लेके 350-400 रुपए तक लास्ट, जो काले पीले चौसे हैं। लास्ट क्या मतलब, कितना वजन है उनमें? वजन उनमें यही होता है, जो सीडी होगी, सीडी वो होगी 6-6.5 किलो की। अच्छा जी, अच्छा जी। और ये सीडियों का क्या रेट है जिनका जी? ये राणा जी सीडियों का ये मान के चलो ये ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए तक बिकेगी। अच्छा जी, अच्छा। काले पीले हो रहे जी? जी। अच्छा जी, और जो बात करें नाशपाती की जी? राणा जी नाशपाती मानो 400 रुपए से लेके 500 रुपए तक बढ़िया नाशपाती मिल जाएगी। 400 रुपए से लेकर 500 रुपए? 500 रुपए जी। अच्छा जी, अच्छा। तो बिक्री कैसी चल रही जी? राणा जी बिक्री आप देख ही लो, अभी बाजार आज स्लो ही है। हाँ जी, ग्राहक है ही नहीं, इक्का दुक्का ग्राहक चल रहा है। क्या बात हो रही है आमों में? राणा जी क्या बताएं, आम इतना है, एक बारिश के कारण माल इतना काला पीला हो गया है कि पूरी मंडी आम से भरी हुई है। अच्छा जी, बढ़िया मालों की कमी है जी? बढ़िया मालों की कमी है, जो साफ सुथरे माल है वो सुबह ही बिक जाते हैं, जो हल्के माल है वो अभी तक पड़े हैं, ये पड़े रहेंगे 2-3 बजे तक दोपहर तक। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी? 437 आजादपुर मंडी, 8588005252। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाशपत्ती का तो तुमने बताया नहीं रेट यार, नाशपत्ती के रेट तो बता दो, नाशपत्ती के क्या रेट चल रहे जी? नाशपत्ती बताया तो राणा जी 400 रुपए से लेके 500 रुपए तक। 400 से 500 रुपए डब्बा जी। और वजन कितना जी है? राणा जी वजन 20 किलो मानो। 20 किलो? 18 से 20 किलो। धन्यवाद भाई। चलिए दोस्तों जानते हैं फरमान भाई साहब के पास भी आज के क्या कुछ बाजार चले इनके पास, कहाँ वाले आम आए, क्या क्या रेट चल रहा जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, कैसे हो? फरमान भाई साहब जी कैसा बाजार चला जी, कितने आम है रोज के? कहा बात क्यों हुई है? ग्राहक राणा जी तो थोड़ा सा क्या बारिश जो हुई है ना, बारिश के कारण लोगो समझ लो रेडी पटरी वाले पे माल बिकेगा तभी तो लेने आएगा कोई। अच्छा जी, ग्राहकी बहुत कम है। अच्छा जी, आज के अच्छे माल है उनकी तो आज भी ग्राहकी है। अच्छा जी, बारिश के काले पीले माल है उनमें दिक्कत है बेचने में। जो आज के लंगड़े के बाजार क्या चल रहे जी, छोटी ग्रेट का लंगड़े का बाजार जी? लंगड़ा छोटी ग्रेट तो आया नहीं राणा जी। और बड़ी ग्रेट में जी? बड़ी ग्रेट 700 रुपए बड़ी। बड़ी ग्रेट 700 रुपए जी। अच्छा जी, और चौसे वाले छोटी ग्रेट के जी? 500 से 700 रुपए। 500 से 700 रुपए छोटी ग्रेट। और जो गोल्डन है जी? गोल्डन 1000 रुपए। गोल्डन 1000 रुपए जी। और जो बड़ी ग्रेट चौसे की जी? बड़ी ग्रेट 700, 900, 800 जैसा जैसा माल है। अच्छा जी, अच्छा, यानी ग्राहकी कम है जी? बहुत ग्राहकी कम है। अच्छा जी, फिर क्या बनेगा जी? ये सब बिकेगा राणा जी, माल आया तो बिकेगा जी, कमती बिके ज्यादा बिके बिकेगा। आपके पास तो लेने वाले बड़े लाइना लगी रहती थी, आप तो इधर भी सन्नाटा सारी करके ले। अच्छा जी, और फ्रूट चल के जैसे सेब वगैरह का, इसका भी सेब वगैरह भी खरीद के आते हैं? सेब खरीद के आएंगे लोग। मेरे हिसाब से अखलाक की कमी है, जहाँ वो गया रौनक ही खत्म है जिसके बिना। अखलाक का माल है जो आगे पड़ा, सब अखलाक ही माल है। अच्छा जी, अच्छा। चलिए जी धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस कंपनी आजादपुर मंडी दिल्ली, मोबाइल नंबर 9818188776। जब तक रेट था आपके किसानों में चेहरे क्या जबरदस्त थे, अब किसान उदास है सर, इनके भी सारा के चेहरे उदास पड़े थे अब तक समय जी। चलिए दोस्तों जान लेंगे भाई साहब के पास बजाज एंड संस के पास आज का आम के क्या बाजार चले इनके पास भी, जो सारा आम आता है, सारा आम की गाड़ी है इनके पास बजाज एंड संस। काफ़ी दिन के बाद इनसे भी मुलाकात हुई, आज के क्या क्या रेट चल रहे, ये भी आज उसी श्रेणी में आ गए, निकले बाहर। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा बाबू जी, कई दिन के बाद चमके जी। राणा ऐसे मंदे इतना हो गया बाजार का, यहाँ पर रुकना पड़ता है। अच्छा जी, तो कैसे बाजार चल रहे जी, क्या कारण हो गया जी ये सारा का सारा? कारण राणा जी बारिशों ने ना सारे माल खराब कर।
अच्छा जी, बारिश होगी ज्यादा, मालों में आगे कालेपन की झलक। अच्छा जी, सिलके अब काम ढूंढता है सिर्फ सफाई। अच्छा जी, यहाँ सफाइयाँ हो गई कम। अच्छा जी, अंदर से काम ठीक होते हैं लेकिन बाहर से काले हो गए ना सिलके। अंदर से ठीक है जी, मैं अंदर से ठीक, मैं रोज सारी वीडियो में बताऊँ लोगों को भी, अंदर से तो सही है जी मैं, लेकिन गाग जो सफाई ढूंढता है। बताओ जी कहाँ से फिर कैसे बात बनेगी सफाई है, माल तो भाई जो आते हैं जिस भाव मर्जी बेच लो। अच्छा जी, वो तो 100-150 किलो बिकते हैं, ये इनका रेट है 10 रुपए 12 रुपए 8 रुपए 7 रुपए किलो। अच्छा जी, जो ऐसे वाले चौसे आ रहे जी, इनका क्या रेट चल, जैसे ये वाले जी, ये चौसी वही कोई नहीं रेट है, जैसे बिक जाए 150 बिक जाए 200 बिक जाए 250 बिक जाए डब्बे का जी। जो गांग ने हाथ लगा दिया हमने उसको वापिस नहीं जाने देना, चाहे वो रुपए का माल 12 आने में ले चाहे 8 आने में ले। अच्छा जी, उसको वापिस नहीं भेजना। अच्छा जी, अगर वापिस भेज दिया तो हम बैठे रहेंगे लगातार, माल रुक जाएगा जी, माल रुक जाएंगे। अब की बार बारिशों ने सारा काम गड़बड़ कर दिया, बारिशों ने गेम खराब कर दिया, अभी बागों में पानी भरा पड़ा है, अब 2 दिन तोड़ लगी है, आज फिर इतनी बारिश हो रही है उत्तराखंड में और ये सहारनपुर की तरफ। अच्छा जी, फिर तोड़े बंद है। अच्छा जी, वो बारी मंदी की वजह से नहीं तोड़ रहे थे। हाँ जी, कुछ भगवान मेहरबान है वो नहीं तोड़ने, फिर तो कल भी हिसाब से माल कम ही आएंगे जी। माल कम आने के बाद भी कौन से बिक रहे, वही वो भी नहीं बिक रहे, आई मंडी में देखो ना अब कितने माल कम है। गेम सारी पलट गई जी, आम की भी उल्टी गेम हो गई, व्यापारी भी सब लॉस में चले गए। अच्छा जी, बरसात का देख लो जी, ज्यादा हो जाए तब भी खतरनाक, कम हो तब भी खतरनाक। खरीदारी इन्होंने की हुई थी, खर्चे अलग है, उससे मंदे तो भी यहाँ बिक रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो जी चलता रहेगा जी, तो लगता है भाई 250-300 रुपये क्रेड मांगते हैं, 120 रुपये की क्रेड है। अच्छा, 40 रुपये किराया भी है, 50 रुपये। अच्छा जी, बचा गया माल में कुछ भी नहीं, 40 रुपये के 50 रुपये के लिए दौड़ रही है, 120-150-170 रुपये तो ये निकल गए। अच्छा जी, 200-250 की मांग रहे हैं, 25-24 किलो माल है। ये तो सारी चीजों का यही है जी, जिस चीज का एक बार रेट हो जाए वो दोबारा उसको जो है मौसम कर दे जी। इस साल तो राणा ये बड़ा ही बुरा हाल, हिमाचल वालों को 2-4 दिन का रेट मिला जी टमाटर का, बाद में उनका टमाटर का देखो क्या हाल करा जी। सब चीजों का यही, बैंगलोर का टमाटर 2500 रुपये का बिक रहा, उनका टमाटर 500 का बिक रहा जी, 2500 का। बरसात ने खत्म कर दिया जी सारा काम, गेम ही उल्टी हो गई। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी, हमारा बजाज से फर्म पड़ती है भाई, फोन नंबर 9810505304। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों बड़े सज्जन आदमी हैं जी ये बजाज एंड संस वाले भी, ये भी आज समझो परेशान है, वैसे ये कभी परेशान नहीं मैंने देखे, जब तक इनका संतरा चलता है और सामान चलता है हमेशा खुश रहते हैं, पर ये आज ये भी मैंने इस आम के कारण परेशान देख लिए जी, सारे ही परेशान जी, सारे ही दुखी हैं जी, इसमें तो बुढ़े भी दुखी हैं जी, बुढ़ों को भी घर वाले जो टाइम से रोटी नहीं देंगे, मैं जब तक रोटी ना मांगे तब तक उनको रोटी नहीं देंगे जी, बुजुर्ग भी बेचारे दुखी हैं, बच्चे भी दुखी हैं जी, बच्चों को कहेंगे घर वाले रोटी खा लो, बच्चों के हाथ में से घर वाले मोबाइल खोसेंगे, मोबाइल इधर जा और रोटी खा, मैं भी रोएंगे, मैं भी दुखी हैं, मैं कह रहे हैं हमको ना रोटी खानी ना दूध पीना ना आंब खाने ना सेब खाना, भी हमको तो गेम खेलनी, और हमारे हाथ में मोबाइल दे दो या चाउमीन दे दो या बाद में कुछ और बाजार की चीज़ दे दो, भी रोटी रोटी तो तुम खाओ, मैं इसलिए दुखी हैं जब उनके हाथ में से मोबाइल खोसा जी। देखो जी क्या जमाना जी, सारे ही दुखी हैं, बच्चे भी दुखी, बुजुर्ग भी दुखी, व्यापारी भी दुखी, बाग वाले भी दुखी, बेचने वाले भी दुखी और ख़रीदने वाले भी दुखी।